सो हेलो वेलकम गाइस टू माय चैनल क्रिक्सी गेमिंग। तो मैं हूं क्रिसनास, आपका दोस्त, इस चैनल का होस्ट। तो गाइस आज मैं बात करने वाला हूं माइनक्राफ्ट जावा एडिशन के एक पॉपुलर मोड के बारे में जिसका नाम है आरएल क्राफ्ट या फिर रियल लाइफ क्राफ्ट, और इसे आप लोग अपने एंड्रॉयड डिवाइस पे प्ले कर सकते हो। बट अगर आपने माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन में खेला है या फिर आपने कहीं भी खेला है तो आप लोग को उतना ज़्यादा तो मज़ा नहीं आया होगा जितना आप लोग को रियल वाला खेलने में आएगा। तो मैं बताने वाला हूँ कैसे प्ले कर सकते हो, बट अगर आप लोग माइनक्राफ्ट में नूबड़े हो तो प्लीज इस गेम को मत खेलना, क्योंकि भाई मैं खुद आप लोग को अपनी एक्सपीरियंस के साथ बता रहा हूँ कि भाई मेरे साथ क्या क्या हुआ था जब मैंने इसे प्ले किया। बट खैर उसे हम लोग छोड़ते हैं, मैं आप लोग को बताऊंगा कि कैसे प्ले कर सकते हो। साथ ही साथ अगर आप लोग ने अभी तक लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक कर दो, चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। तो मैं सब कुछ बताने वाला हूँ, तो स्टेप बाय स्टेप सब कुछ होने वाली है, तो वीडियो को स्किप भी बिल्कुल भी मत करना, ठीक है ना। तो इसे प्ले करने के लिए हम लोग को सबसे पहले चाहिए होगा एक लॉन्चर, मतलब जिसमें हम लोग माइनक्राफ्ट जावा एडिशन इंस्टॉल कर पाए, और अभी फिलहाल के लिए पोजोब लॉन्चर से अच्छा मुझे कोई नहीं लगता है, तो मैं पोजोब लॉन्चर का इंस्टॉल करने वाला हूं। और भाई आप लोग को भी मेरा सेम वाला वर्जन पोजोब लॉन्चर का इंस्टॉल करना पड़ेगा, तो मैं बोल रहा हूं इसलिए आप लोग वीडियो को एंड तक देखना क्योंकि मैं आगे आप लोग को सारी की सारी चीजें समझा दूंगा। तो चलो हम लोग चलते हैं अपनी पोजोब लॉन्चर के अंदर। ऑल राइट गाइस, तो देख सकते हो हम लोग आ चुके हैं अपने पोजोब लॉन्चर के अंदर। यहाँ पर हम लोग को आने के बाद सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हम लोग को ऐड अकाउंट करना पड़ेगा, मीन्स यहाँ पर हम लोग को एक न्यू अकाउंट बनानी पड़ेगी। यहाँ पर आप लोग को लोकल अकाउंट पे क्लिक करना है, यहाँ पर कोई भी नाम डाल दो, जैसे मैंने क्रिक्सी डाल दिया। तो यहाँ पर ये सब डालने के बाद आप लोग बैक आ जाओ, जैसे कि देख सकते हो मेरा यहाँ पर बना रखा है मैंने क्रिक्सी नाम से। एंड इसके बाद आप लोग को यहाँ पर नीचे देखने को मिल रहा होगा न्यू, तो यहाँ पर आप लोग को सबसे पहले क्रिएट न्यू प्रोफाइल करना है, एंड यहाँ पर जो भी अगर आप लोग नाम देना चाहो दे सकते हो। एंड उसके बाद आप लोग को यहाँ पर वर्जन सिलेक्ट करनी है, और कौन से वर्जन करनी है वो मैं बताता हूं आप लोगों को। तो यहां पर आप लोग को जाना पड़ेगा सबसे नीचे, यहां पर आप लोग को मिलेगा 1.12.2, तो हम लोग को इस पर क्लिक करना है एंड इसको सिलेक्ट करना है। एंड इसके बाद आप लोग को कुछ नहीं करना है, आप लोग को चले जाना है सबसे लास्ट में, यहाँ पर रेंडर्ड मिल रहा होगा आप लोग को, तो इस पर आप लोग क्लिक करना। आप लोग को इसमें सेकंड ऑप्शन सिलेक्ट करना पड़ेगा जो विडग रेंडर नाम से होगा, तो उसे आप लोग सिंपल से यहाँ से सिलेक्ट कर लेना। एंड इसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आप लोग सिंपल से सेव कर देना, और यहाँ पर आप लोग कोई भी छेड़खानी नहीं करनी है। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने देखो सेव कर दिया, एंड यहाँ पर मैंने सब कुछ पहले से कर रखा है जो कि आगे मुझे प्रॉब्लम देगी जो भी आगे मैं बताऊँगा आप लोगों को। तो यहाँ पर सबसे पहले इसे इंस्टॉल कर एक बार प्ले कर लेना, जो कि आप लोग का माइनक्राफ्ट 1.12.2 है, जैसे कि यहाँ देख सकते हो आप लोग, यहाँ पर इससे पता चल जाता है कि हम लोग का वही वाला वर्जन यहाँ पर इंस्टॉल हुआ है, और ये यहाँ पर प्रॉपर वर्क कर रहा है। क्योंकि बहुत बार ये ऐसा होता है कि हम लोग का वर्जन कोई भी डाउनलोड हो जाता है बट कुछ MB बचने की वजह से वो काम नहीं करता है प्रॉपरली। तो यहाँ पर एक बार आप लोग क्रिएट न्यू वर्ल्ड भी कर ही लेना, तो यहाँ पर सिंपल से कुछ नहीं करना, आप लोग जस्ट ऐसे ही क्रिएट कर लेना। तो देख सकते हो मैंने यहाँ पर क्रिएट पर लगा दिया, और भाई अब बहुत ज़्यादा ही जल्दी जनरेट हो जाता है यहाँ पर वर्ल्ड हमारा। ये चीज़ मुझे पोजोब लॉन्चर की अच्छी लगी। वैसे मेरा ये पोजोब लॉन्चर का ओल्ड वाला वर्जन ही है, तो आप लोग को ओल्ड वाला ही करना है क्योंकि नए वाले में बहुत सारी बग ग्लिचेस आ गई है जिससे कि आप लोग को ज़्यादा मज़ा नहीं आएगा। बट यहाँ पर देख सकते हो भाई कितनी जल्दी हो गया भाई, यहाँ पर 100 तक टाइम भी नहीं लिया, और देख सकते हो हम लोग आ चुके हैं अपने वर्ल्ड के अंदर। तो भाई आप लोग खेलने मत लग जाना, हम लोग को सेकंड स्टेप पे भी जाना है। तो यहाँ पर इंस्टॉल JAR पे आप लोगों को क्लिक करना है, एंड यहाँ पर आप लोग को एक मैं दे दूंगा फाइल जो कि है फोर्ज की, तो यहाँ पर आप लोग सिंपल से उस पर सिलेक्ट करना, मतलब जहाँ पर आपने डाउनलोड किया वहाँ पर सिलेक्ट कर लेना। एंड उसके बाद आप लोग को यहाँ पर जैसे कि देखो बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाने वाले हैं, तो देख सकते हो वेलकम टू द सिंपलेस्ट फोर्ज इंस्टॉलर। यहाँ पर आप लोग को इंस्टॉल क्लाइंट मिलेगा एक ऑप्शन, एंड दूसरा ऑप्शन मिलेगा इंस्टॉल सर्वर, एंड यहाँ पर एक्सट्रैक्ट। तो हम लोग को इंस्टॉल क्लाइंट पर क्लिक करना है, एंड यहाँ पर हम लोग को सिंपल से ओके कर देना है। ओके करने के बाद यहाँ पर थोड़ा सा आप लोग को वेट करना पड़ सकता है, वो आप लोग के डाटा पे डिपेंड करता है, और यहाँ पर आप लोग मोबाइल डाटा ऑन रखना वरना यहाँ पर ये फेल हो जाने वाला है। तो यहाँ पर जैसे कि देख सकते हो हमारा यहाँ पर काम तो हो रहा है, मतलब जैसे कि देख सकते हो थोड़ा स्लो हो रहा है, बट यहाँ पर हम लोग कर पा रहे हैं जैसे कि आप लोग देख ही सकते हो। तो यहाँ पर थोड़ी देर आप लोग को वेट करना है, मतलब मैक्स टू मैक्स आप लोग को 2 मिनट वेट करनी है, एंड यहाँ पर ये आप लोग का पूरा हो जाएगा, देन आप लोग को यहाँ पर ओके कर लेना है। और यहाँ पर देख सकते हो भाई यहाँ पर मैंने ओके करना है, एंड यहाँ पर हमारा इंस्टॉल हो चुका है सक्सेसफुली। एंड अब हम लोग को जाना पड़ेगा फोर्स क्लोज पर, मतलब यहाँ पर आप लोग को सिंपल से इस पर क्लिक करना है, एंड यहाँ पर आप लोग को ओके करना है। ओके करने के बाद यहाँ पर जैसे कि देखो हमारा फोर्स यहाँ पर आ चुका है, और देख सकते हो भाई मेरे पास बहुत सारे वर्जन हैं जिससे हम लोग को प्रॉब्लम हो सकती है, बट मैं आगे आप लोग को बताऊँगा। तो यहाँ पर हम लोग इसे प्ले करते हैं, मतलब इसे भी एक बार आप लोग प्ले कर देख लेना कि फोर्स हमारा इंस्टॉल हुआ या फिर नहीं। और देख सकते हो भाई ये वाली प्रॉब्लम बहुत सारे लोगों को आ रही होगी, तो इसका सॉल्यूशन है मेरे पास। तो उसके लिए अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब कर दो। तो चलो मैं बताता हूं ये प्रॉब्लम होती क्यों है। तो यहां पर सबसे पहले आप लोग को जाना है पोजोब लॉन्चर के मतलब ऐप इन्फो में,
में। एंड यहाँ पर आप लोग को क्या करना पड़ेगा, सबसे मतलब बेस्ट ऑप्शन है मतलब उसे कंप्लीट हटाने का, तो इसके लिए आप लोग को यहाँ पर सबसे पहले करना पड़ेगा क्लियर कैसे। सबसे पहले क्लियर डाटा मत करना, क्लियर कैसे करना, ओके। तो ये नीचे वाला आप लोग सबसे पहले क्लियर करना, एंड उसके बाद आप लोग को ऊपर वाला क्लियर डाटा भी यहाँ पर करना पड़ेगा। एंड इन दोनों को क्लियर करने के बाद आप लोग सिंपल से ओपन करना, देन आप लोग प्ले कर पाओगे। तो भाई मतलब यहाँ पर बहुत सारे बंदों क्या करते हैं कि बहुत सारे वर्जन प्ले करने लगते हैं, तो वहाँ पर बहुत सारे लॉग बन जाते हैं जिससे प्रॉब्लम होती है। एंड ये करने के बाद आप लोग जैसे ही ओपन करोगे, एंड उसके बाद आप लोग को सिंपल से वही चीज़ें करनी पड़ेंगी, वर्जन को डाउनलोड करना पड़ेगा, फोर्ज इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो वो करने के बाद आप लोग कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। तो अगर आप लोग को ये वाली प्रॉब्लम आती है कभी भी, तो आप लोग सिंपल से जाना एंड यहाँ पर आप लोग क्लियर कैसे एंड क्लियर डाटा दोनों कर देना, देन आप लोग का सॉल्व हो जाएगा। तो चलो अब चलते हैं हम लोग स्टेप के ऊपर। ओके, तो क्लियर कैसे और क्लियर डाटा करने के बाद आप लोग फिर से इसे इंस्टॉल करना। जैसे कि देखो मैंने इंस्टॉल कर लिया है यहाँ पर, एंड यहाँ पर मैंने इसे ओपन किया और देख सकते हो भाई अब हमारा कोई भी इशू यहाँ पर नहीं आ रहा है। एंड यहाँ पर फोर्ज भी हमारा आ चुका है, जैसे कि देखो यहाँ पर मोड्स का ऑप्शन आ चुका है, बट यहाँ पर फिलहाल आर्लक्राफ्ट के मोड्स मैंने नहीं डाले हैं। तो उसे डालने के लिए भी आप लोग को बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ेगी जो कि आगे मैं बताऊंगा आप लोगों को, इसलिए मैं बोल रहा हूँ वीडियो को स्किप तो बिल्कुल भी मत करना। तो यहाँ पर देख सकते हो ये चार ही चीज़ें हैं जो कि फोर्ज की हैं। तो यहाँ पर अब हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हमें 110 मोड्स अप्लाई करने पड़ेंगे जो कि मैंने कर दिए हैं, और आप लोग के लिए मैं इसे बिल्कुल ईजी करने वाला हूँ। तो भाई आप लोग के लिए इतना कर रहा हूँ तो उसके लिए तो प्लीज़ यार एक कमेंट बनता है भाई, हार्ट डाल दो कमेंट में जाके, तो मैं दिखाऊंगा आप लोगों को कितना सारा मोड मैंने डाला है, और वो आप लोग ईजिली मतलब एक क्लिक में ही डाल सकते हो, आप लोग कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। जैसे कि देखो यहाँ पर ये मोड्स का सेक्शन है, तो ये देखो भाई कितने सारे मोड्स हैं, और यहाँ पर 110 मोड्स हैं टोटल, जैसे कि आप लोग गिन के भी देख सकते हो। तो चलो यहाँ पर कोई बात नहीं, यहाँ पर मैं आप लोग को दिखाता हूँ। सबसे पहले आप लोग को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आप लोग को जाना पड़ेगा ऑप्शंस में। तो ऑप्शंस में क्यों जाना है, क्योंकि यार गेम में जैसे जाओगे तो आप लोग गेम ही लैग करने लगेगा, तो क्या ही फायदा होगा। तो यहाँ पर सिंपल से आप लोग क्या करना है, यहाँ पर जाना है आप लोग को एनिमेशंस में, एंड यहाँ पर एनिमेशंस में जाने के बाद यहाँ पर आप लोग को ये पूरा का पूरा ऑफ कर देना, ओके। तो यहाँ पर एक एक करके ऑफ करने से अच्छा यहाँ पर ऑल ऑफ पर क्लिक करना आप लोग, एंड यहाँ पर ये पूरा का पूरा ऑफ हो जाएगा। एंड इसके बाद आप लोग यहाँ से सिंपली डन कर लेना, डन करने के बाद आप लोग को यहाँ पर जाना पड़ेगा, ओके। तो यहाँ पर ब्राइटनेस ये सब तो आप लोग सिंपल से उतना ही रहने देना, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर अगर आप लोग ग्राफिक्स घटाना चाहते हो तो वो आप लोग यहाँ से कर सकते हो। तो यहाँ पर सिंपली देख लो यहाँ पर डिटेल्स है, तो यहाँ पर डिटेल्स भी आप लोग देख सकते हो, मतलब सब कुछ यहाँ से ऑफ भी कर सकते हो, बट मैं बोलूँगा ज़्यादा चीज़ें ऑफ मत करना क्योंकि गेम बहुत बेकार हो जाएगा, और अगर आप लोग लैग करता है तभी करना, अगर आप लोग का हैंड डिवाइस है तो मत ही करना, आप लोग को बहुत मज़ा आएगा। तो यहाँ पर जैसे कि देखो वर्ल्ड नेम में मैंने यहाँ पर डाल रखा है आर्लक्राफ्ट, एंड यहाँ पर मैं सोच रहा हूँ कि मैं यहाँ पर हार्डकोर कर लूँ, बट कोई बात नहीं, यहाँ पर लोग सर्वाइवल ही रहने देते हैं क्योंकि भाई सर्वाइवल में वैसे मैं सकता नहीं हूँ, तो यहाँ पर हार्डकोर आप लोग समझ रहे हो ना। तो यहाँ पर सिंपली यहाँ पर सर्वाइवल कर देते हैं। यहाँ पर मोर ऑप्शन है जो कि मैं नहीं करूँगा, यहाँ पर क्रिएट न्यू वर्ल्ड कर देता हूँ, एंड देख सकते हो यहाँ पर व्हाइट स्क्रीन आएगा आप लोग के सामने, बट आप लोग को कोई डरने की बात नहीं है क्योंकि यहाँ पर लोड वैसे भी होगा, और देख सकते हो हम लोग आ जाएंगे अपने वर्ल्ड के अंदर। एंड यहाँ पर आप लोग को थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा भाई, मतलब देखो यहाँ पर लीव्स तो गिर रहे हैं, बट यहाँ पर मतलब देख रहे हो भाई थोड़ा सा अजीब सा है, मतलब देख रहे हो थोड़ा अजीब सा नहीं लग रहा है, एक्सरे टाइप यहाँ पर। तो इसको भी सॉल्व करने के लिए मैं आप लोग को बताऊंगा क्या करना है, बट आगे वीडियो एंड तक देखना। बट यहाँ पर देख सकते हो हमारा आर्लक्राफ्ट सक्सेसफुली लोड हो चुका है, बहुत सारी चीज़ें आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर टेम्परेचर का दे रखा है, प्यास वाला जो भी थर्स्टी वाला होता है वो भी दे रखा है, और साथ ही साथ यहाँ पर एनिमेशंस भी ऐड हो रखे हैं, बट यहाँ पर देखने में भाई बहुत ज़्यादा ही गंदा लग रहा है। और इसका भी सॉल्यूशन है मेरे पास, तो उसको करने के लिए उसको भी ठीक करने के लिए आप लोग को बस एक क्लिक करनी होगी, इसलिए मैं बोलता हूँ भाई वीडियो को एंड तक देखो। तो उसके लिए आप लोग को एक बटन क्लिक करनी पड़ेगी जो कि है F11, उसको मैं बताऊंगा आगे आप लोग को, बट देख सकते हो यहाँ पर मेरा पूरा का पूरा सही हो चुका है, मैं बहुत दूर आ गया हूँ। एंड यहाँ पर मैं आप लोग को दिखाता हूँ क्योंकि यहाँ पर कुछ नए नए स्ट्रक्चर बना रखे हैं, मतलब एक विलेज के पास हूँ मैं, बट वो विलेज तो है ही नहीं भाई, देख रहे हो वहाँ पर विलेज है बट वो भाई माइनक्राफ्ट का नॉर्मल विलेज नहीं है। बट कोई बात नहीं, चलो यहाँ से हम लोग नीचे कूदते हैं, एंड यहाँ पर भाई देख रहे हो खून के छींटे लग चुके हैं, और मेरा पैर में प्रॉब्लम हुई भाई, वहाँ देख रहे हो आप लोग। तो कोई बात नहीं, यहाँ पर हम लोग को अच्छे से जाना पड़ेगा, पानी के अंदर चलते हैं हम लोग, एंड इसी के साथ देख सकते हो भाई प्यास तो बुझ गई हमारी, कोई बात नहीं। तो यहाँ से हम लोग बाहर आते हैं, और देखो भाई यहाँ पर जैसे मैं डर्ट को तोड़ूंगा तो भाई देख रहे हो कितना मस्त फिजिक्स के साथ टूट रहा है यहाँ पर, भाई साहब देखो यार कितना मस्त लग रहा है। एंड देखो उस पर निशान भी बन रखा है, मतलब यहाँ पर ये चीज़ें मुझे बहुत सही लगी, और यहाँ पर देखो कितना मस्त ड्रॉप हो रखा है भाई, देख रहे हो कितना सही लग रहा है यहाँ पर,
ओके तो देख सकते हैं ये सब भाई कितना सही लग रहा है भाई, जब टूटता है या फिर जब गिरा हुआ रहता है तब कितना ज़्यादा मस्त लगता है। एंड इसी के साथ हमारे बंदे में यहाँ पर एनिमेशंस भी आ रखे हैं, जैसे कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पर तोड़ने का भी बहुत सही एनिमेशन दे रखा है इन लोगों ने। साथ ही साथ यहाँ पर भाई फाइट जब करता है तब तो और भी तगड़ा एनिमेशन आता है, तो वो आप लोग को सब कुछ करके देखना पड़ेगा खुद ही। तो यहाँ पर मैंने आप लोग को बस प्ले करना सिखा दिया, मतलब यहाँ पर मैंने बेसिक चीज़ें आप लोग को बता दी कि क्या क्या आप लोग को इस मोड को डाउनलोड या इंस्टॉल करने के टाइम प्रॉब्लम्स आती है। तो आगे और भी प्रॉब्लम्स है तो मैं आप लोग को बताऊंगा, बट उससे पहले यहाँ पर थोड़ा गेम प्ले भी दिखा देता हूँ। जैसे कि देखो यहाँ पर कितने मस्त लीव्स गिर रहे हैं, साथ ही साथ यहाँ से हम लोग आगे चलते हैं और यहाँ पर स्क्विड है भाई, स्क्विड से भी मुझे डर लग रहा है क्योंकि यहाँ के मतलब जो मॉब्स हैं वो मारते बहुत गंदा है भाई, मैं क्या ही बताऊँ। तो चलो कोई बात नहीं, यहाँ पर ओके ये रॉक है ना, ओके तो इसे मुझे शायद से तोड़ना पड़ेगा, इसको तोड़ने से मुझे यहाँ पर रॉक मिलेगी। ओके गाइस तो देख सकते हो रॉक मिली हमें, एंड यहाँ पर और भी रॉक्स हैं, तो यहाँ पर जल्दी से इसे कलेक्ट करते हैं एंड इसकी मदद से हम लोग कोई भी चीज़। ओ वेट यहाँ क्या फंस गया मैं, ओ भाई ये कांटे वाले पेड़ थे भाई, जहरीले पेड़ भी होते हैं भाई आज पता चला मुझे। और यहाँ के जो डर्ट ब्लॉक है गाइस वो देख रहे हो भाई कितनी ज़्यादा ही अजीब दे रखी है। साथ ही साथ यहाँ पर देखो सामने की तरफ फायर लग चुकी है पूरी की पूरी घर में, एंड पता नहीं यहाँ पर क्या ही चल रहा है, बट यहाँ पर देख सकते हो हम लोग थोड़े से हील हो चुके हैं फिलहाल के लिए, तो एंड अभी के लिए इतना तो बहुत है। चलो यहाँ से हम लोग चलेंगे विलेज के अंदर एंड वहाँ पर मैं दिखाने वाला हूँ विलेजर्स यहाँ के कैसे होने वाले हैं। और यहाँ पर भाई आयरन गोलम को हटा दिया इन लोगों ने, यहाँ पर एक नया सा यहाँ पर गार्ड रखा है इन लोगों ने, पता नहीं भाई इतने सारे पैसे कहाँ से आ गए भाई, क्या तगड़े वाले गार्ड्स रखे हैं, जो कि आगे मैं दिखाता हूँ। यहाँ पर देखो एक विलेजर है, ओके हेलो कैसे चाचू कैसा है तू भाई, ठीक है ना। सामने की तरफ आप लोगों को गार्ड भी दिख रहा होगा, जैसे कि देख सकते हो इसका नाम है एजिस। हाँ गाइस इसका नाम एजिस है, और अगर आपने गलती से किसी विलेजर को टच कर लिया, ये आपकी वो हाल करेगा जो कि मेरी भी की थी। तो मैं आप लोगों को करके दिखाता हूँ, यहाँ पर किसी विलेजर को ढूंढते हैं, बट उससे पहले देखते हैं भाई क्या बेच रहा है ये भाई, इतना गंदा डील तेरी भैंस की। तो देखो गाइस अब क्या होगा मेरे साथ, बहुत गलत सीन होगा मेरे साथ। तो पड़ा मुझे पता था यहाँ पर पड़े भाई, भागने का भी टाइम नहीं देते हैं ये लोग, पूरा का पूरा ब्लाइंड कर देते हैं। और यहाँ पर इन्होंने मुझे बहुत गंदा मारा भाई, तभी से मुझे इतना गंदा मारा है भाई, हट जा चाचू। ओके तो यहाँ पर मैं मरने ही वाला हूँ क्योंकि मेरी हेल्थ भी डाउन हो चुकी है। ऑल राइट गाइस तो देख सकते हो यहाँ पर मैं मर चुका हूँ, एंड वापस से चलते हैं, रिस्पॉन हो चुका हूँ मैं नए से जगह पे। और जो ये ट्रीज़ निकलने का एनिमेशन है भाई कितना ज़्यादा सही लग रहा है, मतलब जैसे जैसे आगे बढ़ोगे वैसे वैसे यहाँ से ट्री निकलेंगे, तो वो चीज़ मतलब रेंडर जो होता है वो नीचे से निकलता है, तो भाई वो मुझे बहुत सही लगा। एंड यहाँ पर देख सकते हो भाई मेन्यू में यहाँ पर आप लोग को बहुत सारे रेसिपीज़ देखने को मिलने वाले हैं, मतलब देख रहे हो भाई ये सब कितने सारे नए नए रेसिपीज़ हैं, और इनका अलग ही यूज़ होता है, पता नहीं इनका क्या क्या यूज़ है, वैसे मुझे तो ज़्यादा नहीं पता है, अगर आप लोग को पता है तो आप लोग प्ले करना यार। और इसी के साथ यहाँ पर मैं आगे चलता हूँ एंड सामने की तरफ कुछ एनिमल्स हैं, और मुझे यहाँ पर आवाज़ें आ रहे हैं भाई कुछ एनिमल्स के, तो यहाँ पर ओ पता नहीं कौन सा एनिमल है, तो चलो देखते हैं ओ वुल्फ है भाई, इन्हें यहाँ मारने में भी डर लग रहा है क्योंकि यहाँ पर ये आरल क्राफ्ट है, पता नहीं ये मेरा क्या ही हाल करेंगे, बट कोई बात नहीं, यहाँ पानी के अंदर कोई मॉन्स्टर दिख जाए तो मज़ा ही आ जाएगा। वैसे यहाँ पर अभी फ़िलहाल के लिए तो हम लोग को यहाँ पर सर्वाइव करना पड़ेगा, जैसे कि देख सकते हो यहाँ पानी के अंदर, एंड यहाँ पर मुझे एक रॉक मिला है, और यहाँ पर स्किल्स के ऑप्शन दे रखे हैं जो कि मेरा 1-1 है, जो कि मैंने अभी तक बढ़ाया भी नहीं है। और साथ ही साथ यहाँ पर देखो आप लोग को मिलेगा ये हार्ट वाला ऑप्शन, और ये अलग सा पता नहीं क्या ही खुल जा रहा है, जैसे कि देख रहे हो यहाँ पर, और यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो कि हम लोग बाद में देखेंगे, बट यहाँ पर देख सकते हो ये तो हमारी रेसिपीज़ हुई। एंड इसी के साथ यहाँ पर हम लोग को कुछ नहीं बना सकते भाई फिलहाल के लिए, तो कुछ नहीं बना सकते। और ये क्या है, बॉबल्स, इस पर एक बार ही क्लिक करते हैं। ओके तो यहाँ पर हम लोग कुछ पहन सकते हैं, ओके ये चीज़ मुझे सही लगी। और यहाँ पर हार्ट वाले ऑप्शन में देखो यहाँ पर आप लोग को मिलेगा क्रिएचर, एंड यहाँ पर इंडेक्स, साथ ही साथ पैट्स, और यहाँ पर समनिंग, ओह समनिंग में कोई तो है भाई एजिस, जिसको मैंने अभी देखा था फिलहाल के लिए, ये शायद से मुझे लग रहा है पॉकेट एक्स का काम करता है, अगर आप लोग को पता होगा पॉकेट एक्स क्या होती है तो आप लोग समझ ही जाओगे। एंड यहाँ पर समनिंग को ओ कोई तो मार भाई, जॉम्बी मार भाई, ये जॉम्बी कहाँ से आ गया, हेलो ओके तो यहाँ पर भाई बहुत सारे मॉन्स्टर हैं मेरे आसपास, तो यहाँ पर मुझे बच के निकलना पड़ेगा, बट कोई बात नहीं, चलो मैं बताता हूँ आप लोग को मोड हमें कैसे अप्लाई करना है। और यहाँ पर मुझे मार दिया यार, तो चलो हम लोग को जाना पड़ेगा जेड आर्चीवर के अंदर। यहाँ पर हम लोग को सबसे पहले देखो यहाँ पर 3 फाइल्स की जरूरत होने वाली है, जिसके आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, पहला तो फोर्ज हमारा, दूसरा आर्ल क्राफ्ट का मोड है, मतलब इसमें सारे के सारे मोड्स हैं, एंड ये थर्ड वाला मोड पैक है। हाँ गाइस तो यहाँ पर ये दोनों का पता नहीं क्या ही काम है, बट आप लोग को काम तो पड़ेगा ही पड़ेगा। तो पहले वाले में तो मोड्स हैं, एंड दूसरे वाले में आप लोग को पता नहीं, उसको हम लोग को सिंपल से अप्लाई करना पड़ेगा। तो चलो मैं आप लोग को बताता हूँ क्या करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं इसको करता हूँ, यहाँ पर व्यू,
तो देखो यहाँ पर ओवरव्यूज़ में जाना है आप लोग को, ओवर राइट्स में सॉरी। तो यहाँ पर हम लोग को ये सारे के सारे चीज़ें यहाँ पर कॉपी करने हैं, ओके। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, इसे एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। एंड एक्सट्रैक्ट करने के बाद हम लोग को मिलेगा यहाँ पर जितनी भी चीज़ें मैंने आप लोग को सिलेक्ट करके अभी दिखाई है, उन्हें हम लोग को सिलेक्ट करना पड़ेगा वापस से। एंड देख सकते हो यहाँ पर मैंने इन चीज़ों को सिलेक्ट कर लिया, और जो नहीं किया उनको मत करना। तो यहाँ पर इतना करने के बाद आप लोग को सिंपल से क्या करना है, यहाँ पर आप लोग करना है कट कॉपी। तो यहाँ पर मैं सिंपल से कट कर लेता हूँ। एंड इसी के साथ यहाँ पर आप लोग को जाना है डिवाइस मेमोरी में, एंड यहाँ पर आप लोग को जाना है एंड्रॉइड में एंड डाटा में। एंड यहाँ पर आप लोग को नीचे जाकर ढूंढ लेना है पोजो ब्लॉन्चर का फाइल, और अगर आप लोग को फाइल नहीं मिल रही है तो आप लोग को यहाँ पर ऊपर कॉर्नर में दिख रहा होगा राइट साइड के कॉर्नर में यहाँ पर थ्री डॉट, तो आप लोग को सिंपल से इस थ्री डॉट पर क्लिक करना है। एंड यहाँ पर आप लोग को सेटिंग में जाना है, फाइल लिस्ट में जाना है, एंड यहाँ पर आप लोग को शो हिडन फाइल्स जो कि ऑफ रहेगा डिफॉल्ट, तो उसे ऑन कर लेना, ओके, अगर आप लोग का शो नहीं करता है तो। एंड उसके बाद आप लोग फिर से उसके अंदर जाना, एंड उसके अंदर जाने के बाद आप लोग को मिलेगा एक फाइल्स का ऑप्शन, तो फाइल्स के अंदर जाना आप लोग सिंपल से। एंड फाइल्स में जाने के बाद आप लोग को यहाँ पर पेस्ट नहीं करना है, पहली बात तो यहाँ पर पेस्ट नहीं करना है, यहाँ पर आप लोग कुछ नहीं करना पड़ेगा, यहाँ पर आप लोग को कुछ नहीं करना है, सिंपल से आप लोग को डॉट माइनक्राफ्ट में जाना है। एंड यहाँ पर देख सकते हो भाई ये फाइल्स आप लोग को देखने को मिल जाएंगी सारी की सारी। तो यहाँ पर आप लोग को पेस्ट वाले बटन पर क्लिक करना है, एंड यहाँ पर आप लोग इजिली पेस्ट कर देना है इसे, ठीक है। इसको पेस्ट करने के बाद आप लोग को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आप लोग को जाना पड़ेगा वापस से डाउनलोड्स में, एंड जितने भी यहाँ पर आप लोग मतलब रिप्लेस वाले आएंगे उसे रिप्लेस कर देना आप लोग। तो यहाँ पर इतना करने के बाद आप लोग को सिंपल से जाना पड़ेगा वहीं पर वापस से। एंड यहाँ पर देख सकते हो ये जो आरएल क्राफ्ट वाला जिप है, जिसमें आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर सारे के सारे इतने सारे मोड्स हैं, जो कि मैंने आप लोग को पहले ही बोला था कि यहाँ पर 110 मोड्स आप लोग एक बारी में कर सकते हो। तो आप लोग को यहाँ पर कुछ करना नहीं है ज़्यादा, आप लोग को सिंपल से यहाँ पर सिलेक्ट करना पड़ेगा, मतलब एक करके आप लोग को पूरा पूरा सिलेक्ट करना है, ओके। तो यहाँ पर जो ये आर एल क्राफ्ट वाला है उसके अंदर जितना भी आप लोग सिलेक्ट कर लेना, सिलेक्ट ऑल कर यहाँ पर आप लोग कॉपी कट जो भी करना चाहो कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं कॉपी कर लेता हूँ, एंड कॉपी करने के बाद आप लोग को सिंपल से जाना है वहीं पर वापस से। एंड यहाँ पर आप लोग को डॉट माइनक्राफ्ट में जाना है, एंड यहाँ पर आप लोग को मोड्स का ऑप्शन मिल रहा होगा, तो यहाँ जाने के बाद आप लोग को सिंपल से इसे पेस्ट कर देना है। मैंने ऑलरेडी कर रखा है, बट यहाँ पर मैंने जितने ऑप्शन आने उसे रिप्लेस कर देना है यहाँ पर। एंड इसके बाद आप लोग इजीली जाना अपने पोजो ब्लॉन्चर के अंदर, एंड जितनी भी चीज़ें मैंने आगे आप लोग को बताई है वो सब आप लोग को फॉलो करनी है, एंड वैसे अप्लाई करनी पड़ेगी आप लोग को। तो देख सकते हो हम लोग वर्ल्ड के अंदर आ चुके हैं, और भाई देखो यहाँ पर कितने सारे मॉन्स्टर हैं भाई, देख रहे हो यार कितना तगड़ा लग रहा है यहाँ पर, मतलब देखो भाई कितने सारे, ओ भाई सबके सब मारेंगे मुझे, बहुत गंदा मार पिटाई होने वाला है भाई साहब। तो यहाँ पर मैं टिक तो पा रहा नहीं हूँ बिल्कुल भी। और गाइज मैंने आप लोग को बताया भी था कि आप लोग को F11 कैसे क्लिक करना है जिससे वो वाली एक्सरे वाली प्रॉब्लम फिक्स होगी। तो यहाँ पर आप लोग को ऊपर के मतलब साइड दिख रहा होगा सेंटर पे, यहाँ पर एक सेटिंग का आइकन, तो उस पर क्लिक करना आप लोग। एंड यहाँ पर सेंड कस्टम की कोड पर आप लोग क्लिक करना है, एंड यहाँ पर एड बटन आप लोग करना चाहो तो कर सकते हो, बट यहाँ पर आप लोग को सेंड बटन पर करना है। एंड इसके बाद आप लोग को नीचे नीचे जाना पड़ेगा, और यहाँ पर आप लोग को नीचे जाना है। एंड यहाँ पर आप लोग को F11 देखने को मिल जाएगा, जिस पर आप लोग क्लिक करना, आप लोग का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। देन उसके बाद आप लोग सिंपल से प्ले कर सकते हो सारी की सारी चीज़ें। एंड चलो गाइस मैंने आप लोग को बता दी सारी की सारी चीज़ें, अगर आप लोग को अच्छी लगी तो जल्दी से लाइक करना, चैनल पर करने हो तो सब्सक्राइब करना। और देख पा रहे हो यहाँ पर आयल क्राफ्ट में मैं तो नहीं टिक पा रहा हूँ, अगर आप लोग टिक जाओगे तो जाओ इसे प्ले करो, अगर यहाँ पर आप लोग सर्वाइव करो। तो चलो आज के बस में रखते हैं, मैं टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।